तो आज चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएगा। हम आपको एक डेमो के जरिए से इस पूरे प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि लैंडर मॉड्यूल अलग कैसे होगा। रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान 3 की यात्रा से जुड़ी एक छोटी छोटी जो चीजें हैं उस चीज को समझाने के लिए हम ये रिपोर्ट आपके लिए लाए हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो पूरी यात्रा को इस वक्त चंद्रयान पूरा कर रहा है और बहुत निकट पहुंच चुका है चांद के, महज 150 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अभी भी बहुत से कुछ अहम पड़ाव बाकी हैं। अक्सर बात आएगी, आप बहुत जगह पढ़ेंगे तो सही कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अब अलग होंगे, लेकिन उस चीज को समझाना ये हमारी जिम्मेदारी है, आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ इस वक्त प्रेरणा जी हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं यहाँ पर। देखिए, उसको समझाने के लिए अगर मैं समझूं कि कहा जा रहा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर अलग होने वाले हैं, लेकिन उसका आसान भाषा में अगर हम आप मतलब बताएं तो आखिर में क्या होने वाला है? जी, पहले तो हम जब चंद्रयान की बात करते हैं तो हम उसके मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रयान 3 के 3 मेजर कंपोनेंट्स थे इस बारी, प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम एंड द लैंडर। क्योंकि प्रोपल्शन जो है वो एक कैरियर था जिसके अंदर विक्रम और प्रज्ञान दोनों को वो लेकर समाकर ट्रेजेक्ट्री में चक्कर काट रहा था। अब क्योंकि हम आज की अगर डेट की बात करें तो वो बहुत ही लूनर सरफेस के क्लोज है, प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम जो है वो अलग होगा और आगे का काम अब विक्रम और प्रज्ञान जो है वो संभव करेंगे, सतह की मैपिंग कर रिसर्च कर और जिसके लिए मिशन की ये प्लानिंग करी थी। तो बिल्कुल, यानी कि अगर हम समझें इसको तो आप सोचिए कि अभी ये तीनों एक साथ उस ऑर्बिट में 150 किलोमीटर की जो दूरी है उस पर लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि आप सोचिए उस कक्षा में घूम रहे हैं, ये सेपरेट होंगे। उसके लिए अगर आप तकनीकी रूप से समझाएंगे किस तरह सेपरेट होंगे और क्या होगा? सेपरेट इन द सेंस कि प्रोपल्शन जो है वो हमारे विक्रम लैंडर को कैरी कर रहा है। बेसिकली जो काम करना है, सतह की मैपिंग करनी है, वो विक्रम ने करना है, बिकॉज वंस विक्रम डू द सॉफ्ट लैंडिंग तो विक्रम की लैंडिंग होने के साथ साथ प्रज्ञान द रोवर जो है इसमें से बाहर निकलकर सतह की मैपिंग करेगा। रोवर जो है वो एक तरह का रोबोट है जो कि सतह पे चलेगा, फिजिकली ये चलेगा। इसको बग्गी का रूप इसीलिए दिया गया है ताकि ये चले और एरिया की जो है मैपिंग करे, खबरें इसरो तक पहुंचाए और किस तरीके के खनिज, किस तरीके की गैस और किस तरीके की अदर लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स वहाँ पॉसिबल है, उन सबके आंकड़ों की खबर जो है वो इसरो तक दे और रिसर्च आगे प्रोसेस कर सके। मतलब एक तरीके से अपने इससे इनको अलग करेगा, डिटैच कर लेगा। उसके बाद ये कब तक घूमते रहेंगे और किस, मतलब वो बीच के जो दिन है उसके उस दौरान ये कहाँ होंगे और इसकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि आखिरी कक्षा पे ऑलरेडी हम लोग पहुंच गए हैं, 150 किलोमीटर का दायरा अब रह गया है लैंडिंग होने से पहले का, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वहीं से संपर्क साधेगा और लैंडर जो भी रिसीव करेगा वहां से इंफॉर्मेशन जो रोवर जो है वो लैंडर तक पहुंचाएगा और लैंडर प्रोपल्शन तक और प्रोपल्शन जो है वो इसरो तक, क्योंकि ऑर्बिटर हमारी बाहर से मैपिंग कर रहा है तो इसको बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करके मॉड्यूल बनाया गया है ताकि हर कंपोनेंट का इस्तेमाल जो है वो इस मिशन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रखता है। चंद्रयान इस वक्त चांद पर पहुंच चुका है, भारत की इस वक्त वो पूरी दुनिया देखेगी ताकत। वरुण बसीन, जी मीडिया।